और बड़ी खबर आपको दे दें, राहुल गांधी सोनिया गांधी से मिलने के लिए गंगाराम अस्पताल पहुंचे। कोविड कॉम्प्लिकेशंस की वजह से अस्पताल में भर्ती हैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी। ईडी दफ्तर से निकलने के बाद पहले तो घर पहुंचे, लेकिन उसके बाद वो जब घर से निकले तो सीधा गंगाराम अस्पताल पहुंचे हैं। ये तस्वीरें तभी की गंगाराम अस्पताल में वो मां सोनिया गांधी से मिलने के लिए पहुंचे। ईडी से पूछताछ के बाद राहुल गांधी मां से मुलाकात। सुप्रिया भारद्वाज इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुप्रिया, सोनिया गांधी से मुलाकात जबकि ईडी से पहले वक्त था, लेकिन अचानक क्या ये प्लान बने हैं? पहले से तय था कि राहुल गांधी अस्पताल में मां से मिलने जाएंगे? राहुल गांधी लगभग 2:30 बजे के आसपास अपने घर तुगलक लेन पहुंचे और उसके बाद जो है 3 बजे के करीब वो यहाँ पर वहां से निकले यहाँ के लिए, जहाँ पे हम इस समय मौजूद है सर गंगाराम अस्पताल है, जहाँ पे कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मां जो है वो एडमिटेड है पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन से चलते। उससे पहले जो है प्रियंका गांधी आज सुबह ही कोविड नेगेटिव उन्होंने टेस्ट किया था और उसके बाद वो जो है राहुल गांधी के घर पर आई और उनके साथ ही वो जो है कांग्रेस दफ्तर पहुंची और वहां से जो है पदयात्रा करते करते वो ईडी के ऑफिस पहुंचे। राहुल गांधी इस समय सर गंगाराम अस्पताल में है, यहाँ पर भी जो पूरा एरिया उसको कॉर्डन ऑफ कर दिया गया, सिक्योरिटी बार है, राहुल गांधी की गाड़ी अंदर गई थी, उनके साथ जो है साथ में और भी दो लोग थे, लेकिन राहुल गांधी यहाँ पहुंचे हैं। कल सोनिया गांधी को पोस्ट कोविड रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उसके बाद उनको यहाँ पे एडमिट करवाया गया है। यहाँ पर पुलिस भी काफी जो है भारी तादाद में मौजूद है। मैं आपको यहाँ से दिखाना चाहूंगी कि किस तरीके से यहाँ पर अंदर खाने जो है वो मूवमेंट है राहुल गांधी। ये तस्वीरें आपने दिखाई हैं, सुरक्षा के वहां पर पुख्ता इंतजाम है। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। राहुल गांधी ईडी दफ्तर में थे, निकले लंच ब्रेक पर निकले, लेकिन उसके बाद वो अस्पताल में पहुंच गए, उसी की तस्वीरें आपने देखी है।